इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच हुआ तीसरा T20 मैच का मुकाबला बड़ी ही रोमांचक रहा। इस मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर से इस मैच में अभिषेक शर्मा ने खतरनाक 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वहीं रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह ने भी इस मैच में मात्र 20 गेंदों में 75 रन की पारी खेली। सूरज गायकवाड़ और शुभम गिल ने भी 20-20 रनों की पारी खेली, जिससे टीम इंडिया ने पूरे जिम्बाब्वे की टीम को 250 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं बात करें जिम्बाब्वे की टीम को, तो जिम्बाब्वे की टीम मात्र 50 रनों पर ऑल आउट होगी टीम इंडिया के विशाल स्कोर के सामने।